हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल यस केएम स्टडी पर तहे दिल से स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस केएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, आप तक हर एक वीडियो पहुंचेगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। और जो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन है, इसको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। ऑल नोटिफिकेशन मतलब कि जितने भी वीडियोज़ रहे हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप तक पहुँची और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी सबसे बेहतरीन ढंग से कर पाए। और बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। और यहां पर विज्ञान के वायरल प्रश्न लेके आए हैं और ऐसे प्रश्नों को तो आप धूल चटा देंगे गारंटी के साथ, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। सिलेबस से बाहर कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता और मैं बस सिलेबस का ही ला रहा हूँ। सोचिए, यदि आपको डेली एक प्रश्न तैयार कराया जाए या फिर 10 प्रश्न तैयार किया जाए तो 10 दिन में आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे? 100 प्रश्न होंगे। 1 महीने में लगभग 300 प्रश्न आपके पास मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न होंगे। तो गहराइयों में जाकर पढ़ाई कीजिए। जब गहराइयों में जाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए वहां पर एक नई ऊर्जा मिलेगी और उस नई ऊर्जा को जब आप देखेंगे तो उसमें ढेर सारे ज्ञान रहेंगे। और जब उन ज्ञान का उपयोग कहीं और करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आप सभी को अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलिए, यहां पे हमारा है स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण में अंतर, यानी कि स्वपोषी क्या होते हैं, विषम पोषी क्या होते हैं, इनके बीच अंतर क्या क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में हमारा ये प्रश्न आया हुआ है। तो हम लोग इसके अंतर जानेंगे। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे स्वपोषी पोषण या स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण, और इधर लिखेंगे विषम पोषी पोषण। एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों स्वपोषी रखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे तो क्या होते हैं, हर एक वो पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सफिशियंट है। यहाँ पर लिखेंगे स्वपोषी पोषण, पहला अंतर क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं तथा पोषण का यह प्रकार स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है ना। वे जीव जो अपने अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा इस प्रकार पोषण करने की क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार पोषण करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट हमारा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का किसे कहते हैं, वे जीव जो भोजन हेतु अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, यानी कि वो अपना जो भोजन है वो किसी अन्य जीव के द्वारा ही तैयार करेंगे बनाएंगे। तो इस प्रकार जो पोषण होता है मेरे प्यारे बच्चों विषम पोषी पोषण होता है, ठीक है ना। लिखेंगे वे जीव जो अपने
भोजन के निर्माण के लिए, भोजन के निर्माण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर या आश्रित होते हैं तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं सॉरी तो उसे क्या कहते हैं विषम पोषी कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहा जाता है तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें किसमें, स्वपोषी पोषण में, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला रसायन संश्लेषी, दूसरा प्रकाश संश्लेषी। पहला क्या होता है? रसायन संश्लेषी, दूसरा है प्रकाश संश्लेषी। विषम पोषी पोषण यह तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीन प्रकार के। कौन कौन से? परभक्षी, परजीवी और मृतोपजीवी। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो यह पोषण विषम पोषी पोषण तुलना में अत्यधिक ऊर्जा दक्ष होती है, यानी कि इसमें अधिक ऊर्जा दक्ष होती है। ठीक ना, और इसमें कम ऊर्जा दक्ष होती है। ठीक है, चौथे पॉइंट क्या बन जाएगा कि अगर इसमें देखें तो स्वपोषी जीव उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक ना, स्वपोषी जीव उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ओके, अगर इसमें चौथा पॉइंट देखें मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें विषम पोषी जो जीव होते हैं वो अपचय क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, विषम पोषी जीव अपचय क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें पांचवा देखें तो इसमें जैसे हमारा
अगर देखेंगे तो हरे पादप जो होते हैं हमारे स्वपोषी में आते हैं, और इसमें जंतु कवक व जीवाणु जितने भी होते हैं हमारे विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वायरल है, एकदम इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, और 90% गारंटी लेते हैं कि ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और आप ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।